हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्रॉड जॉब्स गाइड। तो गाइस, आज मेरे साथ मेरे एक भाई है, तो वो वेटर में काम करता है, इंडिया से है। तो आज मैं भाई का इंटरव्यू लेने के लिए भाई को बुलाया, भाई जॉब से थोड़ा टाइम मिला तो इसलिए भाई आया थोड़ा बात करने के लिए। आप लोगों को पता चलेगा वेटर में क्या क्या काम होता है, कैसे आना पड़ता है, क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर कोई बंदा फ्रेशर है, क्योंकि ही हैज़ एक्सपीरियंस पर्सन, भाई बहुत साल पहले काम किया, उसके बाद एक कैप्टन वेटर में काम करता है, तो भाई के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को एक साथ एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो वेटर के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, आप लोग आ सकते हो एब्रॉड में, तो इसलिए भाई से बात करेगा। भाई हेलो हेलो, तो आप बताओ, आप व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ कटुन दे। अच्छा, तो वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। अच्छा, मेरा तो इधर लगभग 2 साल हो गया। मैं जब फर्स्ट टाइम आया इधर, मेरा इंटरव्यू हुआ था कलकत्ता में, इंटरव्यू देखे इधर आया फर्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा, तो पहले आप काम किया था किधर भी? कोलकाता में काम किया। अच्छा अच्छा, तो आप तो इधर, आपका डिजिग्नेशन कैप्टन वेटर है, इधर कैप्टन वेटर में काम करते हो। तो अगर देखो, इंडिया से बहुत सारा फ्रेशर है जो एब्रॉड आना चाहता है, आपको भी पता है, तो उन लोगों के लिए क्या क्या, अगर फर्स्ट उसका करियर का स्टार्टिंग है, तो वो लोग अगर एब्रॉड में आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टाइम उसको तो एक्सपीरियंस चाहिए, तो नहीं तो अच्छा कोई रेस्टोरेंट या कैटरिंग लाइन में अलाउड नहीं है। अच्छा, इसलिए होटल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, अच्छा अच्छा, मैनेजमेंट मस्ट। अच्छा अच्छा, नहीं अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर एज ए कैप्टन नहीं आना चाहता, अगर कोई बंदा है वो काम नहीं किया लेकिन फ्रेशर, लेकिन ऐसा कोई पोस्ट है जिसमें आ सकता है अब्रॉड में फ्रेशर है लेकिन रनर लाइक दैट, रनर में आ सकता है? अच्छा अच्छा, तो उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, अगर कोई होटल रेस्टोरेंट वगैरह में 1 साल या 2 साल का नॉलेज है तो। अच्छा है। अच्छा होता है। तो आपका इधर कितना दिन हो गया भाई? इधर मेरा 2.5 साल हो चुका है। अच्छा अच्छा, तो बहुत सारा आदमी है या वुमेन है जो सोचता है एब्रॉड में बहुत प्रॉब्लम है, मतलब इधर का वेदर बोलो, इधर का गवर्नमेंट बोलो, इधर का, मतलब ऐसा कोई बात है या मतलब इधर ऐसा कोई बात है, इधर नॉर्मल ऐसा कोई मुश्किल नहीं है या काम कर सकता है? काम तो कर सकता है, लेकिन इधर जो कंट्री है बहुत रूल्स है, रूल्स है बहुत कुछ, वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो गाइज, आपको अगर एब्रॉड आना है तो एब्रॉड कंट्री में, अगर कतर की बात बोलो, मैं हम लोग कतर में है, तो आपको बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यह इंडिया से थोड़ा अलग है, इधर का रूल्स रेगुलेशन अलग है, तो आपको थोड़ा ध्यान में चलना पड़ेगा, जो मर्जी आप नहीं कर सकते हो, इधर बहुत सारा चीज़ बैन है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस है तो उसका, अगर वेटर में आना चाहता है तो उसका स्टार्टिंग सैलरी कितना होता है, मतलब सैलरी पैकेज कितना है इधर? 40,000, मतलब इंडिया का 40,000 उसको मिलेगा ही मिलेगा। अगर गाइज आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत, अगर आप लोग एब्रॉड आना चाहते हो, मतलब कतर या गल्फ कंट्री, एनी काइंड ऑफ गल्फ कंट्री अगर आते हो, तो आपको बेसिक सैलरी जो होगा वो 40,000 मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी अपग्रेड होगा। और कोई ऐसा कंपनी भी है जो उधर सैलरी कम रहता है? सैलरी कम रहता है, बहुत ऐसा कंपनी है उधर सैलरी कम रहता है, लेकिन कतर में 90% ऐसा मैं सुना है, आपको पता है कि नहीं, आप जस्ट बोलो आपका एक्सपीरियंस जो है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ऐसा नहीं करता है, सैलरी जो बोलता है सैलरी देता है, ऐसा मैं सुना है, क्यों कतर में ऐसा होता है, जो बोलता है वही करता है। हाँ, तो और बहुत सारा फ्रॉड भी है बहुत जगह है, लेकिन हम लोग कतर में काम करते हैं, हम लोगों को पता है कतर में ज़्यादा से ज़्यादा जो काम बोल के लेके आता है वो काम ही देता है, लेकिन दो एक कंपनी हो सकता है थोड़ा बहुत ये होता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो अगर फ्रेशर है जो लेकिन एब्रॉड में आना चाहते हैं, गोल्फ में आना चाहते हैं, तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो कोई होटल या रेस्टोरेंट में काम करना पड़ेगा, होटल या नहीं तो मैनेजमेंट है, 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है। अच्छा, तो गाइज अगर आप लोग एब्रॉड आना चाहते हो तो डायरेक्ट मत आओ, डायरेक्ट मतलब कुछ नहीं करके आप लोग अगर आओगे तो आपको सैलरी पैकेज बहुत ही कम मिलेगा, 1,000 बेसिक मिलेगा, अगर रनर में आना चाहते हो। रनर का काम कैसा है भाई, थोड़ा बोलो। रनर का काम जो बुफे होता है उसमें जो खाना जो लेकर आता है रनर, उसको मतलब रनर बोलता है, मतलब जो खाना को एक जगह से एक जगह बुफे में लोड करता है, जो खाना एक जगह से हर जगह लेकर जाता है। अच्छा अच्छा, ये रनर का काम है। तो ये आप, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं है वेटर के बारे में, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए
बात करने का तरीका, तो ये अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप फ्रेशर हो, तो इसके इसलिए आपको पहले रनर में आना पड़ेगा। रनर में सैलरी पैकेज उतना अच्छा नहीं है, 1000 बेसिक मिलता है क्योंकि कतर का रूल से 1000 आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप कौन सी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो इट्स डजंट मैटर, आपको 1000 मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप रनर से थोड़ा अपर पोस्ट में आना चाहते हो, थोड़ा वेटर या कैप्टन वेटर में आना चाहते हो, तो आपको पहले ये सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स, एक 6 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स करो, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद गल्फ में आ जाओ, कतर कोई कतर में आ जाओ, दुबई में आ जाओ, तो आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। और भाई आपका मतलब आप जब पहले आए थे इधर कतर में, तो कोई प्रॉब्लम हुआ था, मतलब आप पहली बार इधर आए हो या बाहर का भी काम किया? बाहर तो मैं इंडिया का बाहर नहीं गया, अच्छा, इंडिया का अंदर ही काम किया। हाँ। 2-3 साल तो फर्स्ट टाइम मैं कतर आया, फर्स्ट टाइम आके मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया मैंने कतर में आके? अच्छा अच्छा। और काम 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 जब पहले बाहर कंट्री का काम इंडिया का काम क्या सेम होता है या थोड़ा डिफरेंस होता है? इंडिया में तो 8-10 घंटा ड्यूटी है, लेकिन इधर तो आके मैंने 12 घंटा ड्यूटी किया। और रेस्टोरेंट है तो इंडिया में 12-13 घंटे भी ड्यूटी है, इधर आके फर्स्ट टाइम जब आया उस टाइम 12 घंटे ड्यूटी था। कोई भी आदमी गोल्फ पे आना चाहता है, आने के बाद वो अगर फर्स्ट वेटर में आया तो उसका फ्यूचर का इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है? मतलब अगर वेटर में पहले आ गया तो उसका इंक्रीमेंट वेटर लेवल का कैसा होता है, मतलब इंक्रीमेंट कैसा होता है? फर्स्ट टाइम जब वेटर में आता है, वेटर से 2-3 साल काम करने के बाद कैप्टन वेटर, अच्छा अच्छा, उसके बाद सुपरवाइजर, उसके बाद सीनियर सुपरवाइजर, कैटरिंग सुपरवाइजर, मैनेजर पोस्ट तक भी जा सकता है। मतलब वेटर से आपको कोई भी आदमी अगर चाहे ऊपर जाएगा तो वो जा सकता है, मतलब उसका नॉलेज का ऊपर, उसका एक्सपीरियंस का ऊपर वो जा सकता है। मतलब तो उसका सैलरी पैकेज कितना हाई होता है, मतलब अगर कोई वेटर में आएगा कतर में तो उसका सैलरी कितना होता है? वेटर में 40,000। और कैप्टन वेटर में? कैप्टन और वेटर में लगभग सेम है, 5,000 या 45,000 48,000 कैप्टन ऑर्डर में, मतलब 50,000 के आसपास मिलता है। अगर सुपरवाइजर में 60,000 का ऊपर। अच्छा अच्छा, तो ये है मतलब बेसिक एक सैलरी पैकेज। मतलब अगर कोई आएगा कतर में तो वेटर में आएगा, ये कैप्टन वेटर में आएगा, तो इसका बेसिक सैलरी पैकेज ऐसा होता है। और काम कैसा होता है, मतलब अगर कोई बंदा कैप्टन में आया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होता है? जो जो वेटर होता है कैप्टन उसका हेड होता है, मतलब जो उसको गाइड करना पड़ता है। तो ठीक है भाई। और एक बात, तो अगर बहुत सारा मेरा व्यूअर है जो बोलता है कभी नहीं काम किया लेकिन वो लोग वेटर में आना चाहता है गोल्फ में, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन लोगों के लिए मैं अभी बोलेगा उन लोगों के लिए, पहले इंडिया में कोई होटल या रेस्टोरेंट में उसको काम करना चाहिए फर्स्ट टाइम, और नहीं तो मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट करो, एक्सपीरियंस बढ़ाओ, फिर आ जाओ। अच्छा अच्छा। तो गाइज आप लोगों को बता दिया भाई ने क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है तो आपको पहले एक सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट कोर्स करके आप लोग अब्रॉड आ सकते हो। और अगर आप कोई होटल व रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ दिन काम करके थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके आप लोग वेटर में आ सकते हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग प्लीज़ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थोड़ा भी मत भूलना क्योंकि आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइब कर देना भूल जाता है ये लोग।